हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यू मास को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि यू मास स्टैंड्स फॉर यूनरी मास्क। दोस्तों, यू मास जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल और डायरेक्टरी के लिए डिफॉल्ट परमिशंस को डिसाइड करने का काम करता है, और इसको ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया हुआ है। अब दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि क्या हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफॉल्ट परमिशंस को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं फाइल और डायरेक्टरी के लिए, तो दोस्तों लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग लाइनेक्स फाइल और डायरेक्टरी की डिफॉल्ट परमिशंस को चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कैसे वो देखे जरा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि रूट यूजर का डिफॉल्ट यू मास्क वैल्यू होती है 0 डबल 2। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग मैं चाहता हूं कि मुझे जब भी मैं डायरेक्टरी क्रिएट करूं तो उस पर मुझे डिफॉल्ट परमिशन जो है वो 757 मिले, यानी कि मैं सुपर यूजर को भी रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहता हूँ, सुपर ग्रुप को या ओनर ग्रुप को मैं रीड और एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहता हूँ, और अदर यूजर को भी मैं रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहता हूँ। क्योंकि ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारी फर्स्ट डिजिट होती है वो ओनर यूजर के लिए होती है, सेकंड डिजिट जो होती है वो ओनर ग्रुप के लिए होती है, और जो थर्ड डिजिट होती है परमिशन की वो नॉर्मल यूजर की परमिशन होती है। तो दोस्तों, अगर आप डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन ये चाहते हो, यानी कि 757 चाहते हो, यानी कि अदर यूजर को भी आप रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहते हैं, तो दोस्तों हम लोग अगर किसी तरह यूमास की वैल्यू को चेंज कर दे, रूट यूजर की यूमास की वैल्यू को चेंज कर दे और कुछ ऐसी यूमास की वैल्यू डिसाइड कर दे जो मैक्सिमम परमिशन में से, अगर मैं यू मास की ये वाली वैल्यू लेस करता हूं तो मुझे रूट यूजर के लिए ये परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों बहुत ही ध्यान से ये यू मास की वैल्यू चेंज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यू मास की वैल्यू चेंज करते हैं किसी भी नॉर्मल और सुपर यूजर के लिए, यानी कि रूट यूजर के लिए, तो उसका पूरा इफेक्ट जो है फाइल और डायरेक्टरी की दोनों परमिशन पे पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप यू मास की वैल्यू चेंज करते हैं किसी भी नॉर्मल और सुपर यूजर के लिए तो उसका इफेक्ट जो है फाइल और डायरेक्टरी की दोनों परमिशन पे पड़ेगा। ठीक है, अब यू मास की वैल्यू को हम लोग चेंज कैसे करते हैं वो देखिए जरा। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यू मास की वैल्यू को चेक करने के लिए हमने यू मास कमांड यूज की थी, और ये हमने डिस्कस किया था कि यू मास की डिफॉल्ट परमिशन डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 डबल 2। अब अगर मैं यू मास की वैल्यू को चेंज करने के लिए जस्ट यू मास स्पेस 0 2 0 जो भी आप वैल्यू डिसाइड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर आपके सामने अभी डिस्कस किया था कि अगर मैं यू मास की वैल्यू ये कर दूं
तो मुझे डिफॉल्ट परमिशन डायरेक्टरी के लिए ये मिल जाएगी। तो मैं अब यूमास की वैल्यू को ये चेंज करने जा रहा हूँ, तो 020 टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर मैं दोबारा से यूमास की वैल्यू को चेक करूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूमास की वैल्यू जो है वो रूट यूजर के लिए 020 हो गई है। ठीक है, परमिशन चेंज हो गई, यानी कि यूमास की वैल्यू जैसे ही चेंज करोगे, तो जब आप कोई भी mkdir कमांड के द्वारा कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक विशेष नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, क्रिएट हो गई, चाहे तो आप ls कमांड के द्वारा दोस्तों देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे विशेष नाम की डायरेक्टरी क्रिएट होगी तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन कलर का मीनिंग है कि नॉर्मल यूजर को भी इस डायरेक्टरी पर रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन मिल चुकी है। चाहे तो आप यहां पर ls space hyphen l कमांड के द्वारा भी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि जब भी आप कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर, तो अदर यूजर को भी रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन मिल गई है। चाहे तो मैं यहां पर आपको mkdir स्पेस, मैं एक रजौरी के नाम से मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करके आपको शो करा देता हूं। तो मैं यहां पर 10 डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं रजौरी के नाम से, देखा आपने। और अगर मैं यहां पर ls कमांड यूज करता हूं, अब आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, सभी डायरेक्टरी की डिफॉल्ट परमिशन जो है अब वो चेंज हो गई है। लेकिन दोस्तों, ये जो हमने umas की वैल्यू चेंज की है, जो कि ये है, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा जरा। मैं ऐसा करता हूं कि वेट कीजिए जरा थोड़ा सा। मैं इस फाइल को जरा सेव कर देता हूं यहां से, और एक बार इसको रूट यूजर से लॉग आउट करता हूं। ठीक है, लॉग आउट करने से पहले एक बार और मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि यहां पर यू मास की वैल्यू अभी क्या है। ये देखो जरा क्या हो गई। अगर आप एक बार टर्मिनल जस्ट कट करके दोबारा से भी अगर ओपन करते हैं, तो यहां पर और दोबारा से आप यूमास करते हैं, तो जो डिफॉल्ट यूमास वैल्यू थी वही अप्लाई हो जाएगी। चाहे तो आप एक बार रूट यूजर से लॉग आउट करके भी आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूमास वैल्यू को हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक होता है टेम्परेरी बेस पर, एक होता है परमानेंट। जैसे कि दोस्तों, अगर आप यूमास की वैल्यू को चेंज करने के लिए जस्ट आप कमांड यूज करते हैं यूमास स्पेस, और जो भी आप यूमास वैल्यू अप्लाई करना चाहते हैं टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं, और दोबारा से आप यूमास करते हैं तो वो वैल्यू अप्लाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर टर्मिनल को एग्जिट करते हैं, या फिर आप रूट यूजर से एक बार लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करते हैं, तो यूमास की वैल्यू जो है वो रिसेट हो जाएगी, जो डिफॉल्ट होती है। यहां पर मैं आपको और अच्छी तरह डिस्प्ले कराता हूं जरा। ये देखिए जरा, दोबारा से मैं रूट यूजर से लॉग इन करता हूं, ये हम लोग रूट यूजर से दोबारा से लॉग इन कर रहे हैं। ये लॉग इन हो गया जरा, और दोबारा से अगर मैं टर्मिनल ओपन करके टर्मिनल ओपन करता हूं, और आपके सामने दोबारा से अगर यूमास
कमांड यूज करता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यूमास की वैल्यू जो है वो रीसेट हो गई है, जो डिफॉल्ट होती है। तो अगर आप यूमास कमांड के द्वारा यूमास की वैल्यू चेंज करते हैं तो दोस्तों वो केवल एक टेम्परेरी बेस पर होती है, टेम्परेरी बेस पर। जब तक आपका सेशन कंटिन्यू है तब तक तो वो यूमास की वैल्यू एज इट इज रहेगी, लेकिन जैसे ही आप टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं या करंट यूजर से लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करते हैं तो यूमास की वैल्यू रीसेट हो जाती है। अब अगर आप यूमास की वैल्यू को परमानेंट चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों हर एक यूजर की, देखो मैं यहाँ पर अभी रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में आ गया हूँ, तो हर एक यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर एक हिडन फाइल होती है .bashrc। एल डॉट के द्वारा आप हिडन फाइल देख सकते हैं .bashrc। अब इस फाइल के अंदर दोस्तों अगर हम लोग एडिटिंग करें, कैसे, विम स्पेस डॉट बैश आर सी, ठीक है, इस फाइल में अगर हम लोग जाएं और यहां पर कहीं पर भी जाकर आप इंसर्ट मोड में जाकर यू मास्क स्पेस जो भी आप वैल्यू डिसाइड करना चाहते हैं, ठीक है, 020, इसके बाद यहां पर आप राइट एंड क्विट करेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं कि यू मास्क की वैल्यू जो है वो डिफॉल्ट है, लेकिन अगर मैं यहां पर एक बार साइन आउट कर लेता हूं या टर्मिनल को क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूं या फिर रूट यूजर से लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करता हूं, तो देखिए जरा यहां पर क्या करते हैं, दोबारा से अगर मैं यहां पर कमांड यूज करूं यू मास्क, अब देखिए दोस्तों अब ये परमानेंट हो गई है। चाहे आप अपनी मशीन को कितनी बार भी लॉग आउट करें, रीस्टार्ट करें, अब ये रूट यूजर के लिए परमानेंट यू मास्क वैल्यू हो गई है, जो कि रूट यूजर की फाइल और डायरेक्टरी की डिफॉल्ट परमिशन को डिसाइड करेगा। इसी तरह दोस्तों आप नॉर्मल यूजर की भी होम डायरेक्टरी में जाकर .bashrc फाइल के अंदर जाकर यू मास्क की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक था हमारा यूमास्क लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर।